हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे BHU की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। 4 अप्रैल 2023 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। ढेर सारे पोस्ट के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज किए गए हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे नर्सिंग पोस्ट की। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स, SS हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, IMS, RGSC, बरकछा, मिर्ज़ापुर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें चीफ नर्सिंग ऑफिसर, BNS, NS की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की 1 पोस्ट रिलीज की गई है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो रिलीज किए गए हैं लेवल 12 के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें अगर आपने MSc नर्सिंग किया है किसी भी NCR रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास मिनिमम 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज में, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट में है मिनिमम 500 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट की वैकेंसी जो रिलीज की गई है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लेवल 11 के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं, जिसमें अगर आपने MSc नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या हॉस्पिटल में मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, जिसमें से 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज से, और आपके पास मिनिमम 18 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल हो, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस है 18 ईयर का, और इसमें से 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी DNS की पोस्ट जो रिलीज किया गया है, उसके लिए अगर आपने MSc नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल में, जिसमें से 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या कॉलेज से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है और आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, और जिसमें से 2 ईयर का आपके पास रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट लेवल 10 के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन मोड है सबमिशन का, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और डाउनलोडेड हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है दिए गए एड्रेस पर। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल में जाके। सो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप करने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, आपके पास डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, जिसकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फाइल साइज में होना चाहिए, जो आपको अपलोड करना है ऑनलाइन अप्लाई जब आप कर रहे हैं उस टाइम पर। अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, सेम ईमेल एड्रेस पर आप अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। आपका रिटेन एग्जाम लिया जाएगा और इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने रहेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। सबको किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पर क्लिक करना है। उसमें डाउन में जैसे ही आप जाएंगे नोटिसेस में जाना है आपको। नोटिसेस में आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें रीड मोर पर आप क्लिक करके यहाँ से नोटिफिकेशन डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लिक हियर टू अप्लाई, अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर सकते हैं।
एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज़ है आपको ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट करना है, आपको 1000 रुपीज़ है अगर आप ग्रुप ए के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रुप बी के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करना है तो उनके लिए 500 रुपीज़ है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनके लिए है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ है। अगर आप ग्रुप ए के अंतर्गत कर रहे हैं अप्लाई, ग्रुप बी के अंतर्गत कर रहे हैं तो आपके लिए 500 रुपीज़ है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। फी पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू करना है। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जब आप, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। सो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट जो है 3rd of May 2023 है, शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं, 5 PM। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोडेड कॉपी जो है फॉर्म का वो आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 22105, यहाँ इस एड्रेस पर आपको सबमिट करना है। सो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड अप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एनक्लोजर्स 6th of May 2023 है। 6 May 2023 या उससे पहले तक आप सबमिट कर सकते हैं डाउनलोडेड अप्लीकेशन फॉर्म को अलॉन्ग विथ एनक्लोजर, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उनके साथ, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज के साथ आपको सबमिट करना है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जैसे हमने बताया, और वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके साथ एनक्लोजर्स अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद सेंड करना है या फिर सबमिट करना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 22105, UP, ऑन आर बिफोर 6th of May 2023, 6 मई 2023 है उससे पहले आप सबमिट कर सकते हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको BHU की ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।